हाँ जी, क्या हाल है जी? पेपर हाथ में पहले बता दूँ हूँ कहाँ पे जगह है। रोडियो ड्राइव गुड़गांव में एक कॉम्प्लेक्स है, यहाँ पे एक जगह बनी हुई है जिसका नाम है मगधवाद। अब सीन पता है क्या है, मैं आज खाने आया हूँ रीजनल खाना, बोले तो बिहारी क्यूजीन। मैं यहाँ पे परमिशन ले आने के बाद उन्होंने मुझे लिस्ट दी कि सर ये चीज़ें खाओ, ये ऑथेंटिक बिहारी आइटम है। अच्छा जी, स्टार्ट करनी है सबसे कॉमन आइटम और सबसे खास आइटम जो है लिट्टी चोखा। घुंगनी के साथ सर्व करते हैं, चटनी चुटनी के साथ, और कह रहे इसमें मांस भी ऐड कर देंगे, प्रॉपर प्लेटर बना के देंगे आपको, ट्राई करना। और साथ में कह रहे हैं खिलानी है डबल गपचप चाट, पटना की स्पेशल चाट है जो बहुत अलग है जो नॉर्मल चाट खाते हो यहाँ पे। अच्छा जी, और कह रहे साथ में खिलानी है तली हुई मच्छी, रहू यूज़ करते हैं, खा के देखना दिल खुश होगा। और कह रहे हैं वो खिलाना है संगम अलाहाबादी। मैं कह संगम अलाहाबादी, कह रहे कबाब होते हैं सर दो लेयरिंग के साथ, संगम है चिकन और मटन का, दो लेयरिंग देखेंगे। अच्छा जी, और कह रहे तास मटन खिलाना है, ऑन द बेड ऑफ उल्टे तवे का परांठा मटन के चंक्स ऊपर रखते हैं, खा के देखना। अच्छा जी, और कह रहे सरसों वाली मच्छी, सरसों में तल के आपको ग्रेवी आइटम खिलाएंगे, आ हा हा। अच्छा जी, और कह रहे साथ है भुना मांस विच हैज़ बीन गेटिंग रेडी फॉर लास्ट 5 आवर्स, मतलब 5 घंटे से उसकी तैयारी चल रही है, शेफ हाथ चलाया जा रहा था। और कह रहे साथ में खिलाना आपको मसालेदार मुर्गा ग्रेवी, चिकनी मुर्गा ग्रेवी, बड़े ऑथेंटिक तरीके से बात करी है। अंदर चलना है, आज अलग ब्लॉग है, एक रिएक्शन है, मुझे इसकी नॉलेज 100% नहीं है, लेट मी बी ऑनेस्ट हियर, बट मैं ट्राई करूंगा, रिएक्ट करूंगा, ट्रेडिशनल खाना है। वीडियो के अंत तक बन रहना, बहुत पानी आएगा, चलें। ये है रोडियो ड्राइव सेक्टर 49 में गुड़गांव में, और ये है जी मगध अवध। अंदर चलते हैं, ये जगह की लुक एंड फील है, और सामने हैं नितिन जी, क्या हाल है जी? बढ़िया सर, पेपर थमा दिया ये आपने है मेरे सारी आइटमें लिख दी अच्छे से, और जो चीज हमारे पास है स्पेशलिटी उनके बारे में आपको बता रहे हैं हम। सब ठीक ठाक है, बहुत बढ़िया है, मजा आएगा खा के ये पूरा है। बिल्कुल सर, 100% श्योरिटी। अच्छा जी, अच्छा किचन तैयारी है? बिल्कुल सर, चलें। बिल्कुल, चलो अंदर चले किचन के। अरे वाह जी वाह, शेफ साहब कैसे हो? ये लो माइक पहन लो, थैंक यू वेरी मच। ये आ गया, थोड़ा लाउड बोलना शेफ साहब, आवाज़ आई लोगों को। अच्छा ठीक ठाक है, तैयारी है? अच्छा यहाँ पे क्या है जी? ये मटन पक रहा है, दिखाओ जी, दिखाओ प्लीज। अच्छा ये भुना मांस, गाइस मैं बताता ना इंट्रो में आपको, ये है जी भुना मांस, कितनी देर से पक रहा है ये सर? कभी हो गए होंगे 3.5 घंटे। साढ़े 3 घंटे हो गए हैं, दिखा देगा निकालना ऊपर एक पीस अच्छे से। गाइस खुशबू पता कितनी आ रही है, ये वाह जी वाह, ट्राई करते हैं। और बताओ जी क्या तैयारी करनी है? सरसों मच्छी बना रहे थे, सरसों मच्छी। अच्छा यहाँ पे, सो ये ग्रेवी आइटम होगी ना? ये स्नैक्स है, ये तल है। अच्छा तल है, फ्राई हुई मच्छी, तली हुई मच्छी जो कहते हैं। कौन सी मच्छी यूज कर रहे हो? रोहू। अच्छा ठीक। तो गाइस ये पूरा किचन है यार, पहले ना एक मिनट जरा मैं लिट्टी दिखा दी आपको। अरे वाह जी वाह, ये रोस्ट हो रही है जी सर? कितनी आती है एक प्लेटर में लिट्टी? 4 पीसेस जी। वेरी गुड, साथ में घुंघनी मिलेगी जी? दो चोखा मिलेगी, घुंघनी दो चोखा, दो चोखा टमाटर की चटनी। हाँ अच्छा, टेस्ट करिएगा, आपको दिखाना सब कुछ दिखाना, और ऑथेंटिक टेस्ट आएगा यहाँ का। अच्छा एक ठीक, हाँ जी दिखाओ जी। अच्छा है, कितने पीस आते हैं इसमें? 3 पीस। ये अदरक लहसुन का पेस्ट और पीसी पीसी हुई सरसों पीली, तो ये उसका पेस्ट में सरसों को बन रहे हैं, पूरा सरसों में मैरिनेट कर रखा है पूरा, ये सरसों का तेल नींबू वगैरह डाल के पूरा मैरिनेट करके रखते हैं। अरे वाह, ये अप डाउन हो गई। यहाँ पे क्या हो रहा है जी? ये मसालेदार मुर्गा। अच्छा इसमें कुछ है बिहारी साइड? इसमें जो है सर, इसको मेडिटेशन करके रखते हैं, दही दही डाल के तब इसको करते हैं। अच्छा, और यहाँ पे डन हो गई है जी? ये हो गया, अभी निकाल लेंगे इसको। अच्छा कसौंदी यूज करते हो? हाँ, इसके ऊपर ही कई थोड़ी थोड़ी कसौंदी। ये तो बंगाल में मतलब अपना कलकत्ता में काफी यूज होती है जी। गाइस देख रहे हैं पूरी भीड़ भड़कम, अब किचन में डिस्कस करते हैं कहाँ क्या दिखाना है। हाँ जी वहाँ दिखाना क्या हो रहा है जी? प्लेट लूट रहे हैं, लिट्टी चोखा हमारा जो हमारी ट्रेडिशनल डेलिकेसी है। ये हो गई घुघनी? हाँ जी, घुघनी है। अच्छा
ये आलू चोखा है, कसौंदी और आलू चोखा। हाँ जी। और ये चटनी है? ये चटनी है, टमाटर की चटनी, बैंगन चोखा। दिखाओ जी, ये अपना बैंगन को गार्निश कर देते हैं। घी में डिप हो गए सर? घी में ये लिट्टी होती है, रोस्टेड लिट्टी है। प्रॉपर घी में आपने डुबा के हैं? वाह जी वाह, बड़ी सुंदर लग रही है ये। खाओगे तो सर और अच्छा लगेगा आपको। अच्छा जी, दोनों का इस लुक के देश लोग दूर दूर से आते हैं हमारे देख के। इसे मांस कौन सा जाता है? मांस कहते हैं ना, मांस नॉनवेज वाला मांस, भुना मांस जाता है। अच्छा, भुना मांस ही जाता है। हाँ, था चिकन के अंदर मसालेदार बन रही जाता है जो। अच्छा अच्छा, ठीक है। हाँ जी सर, सब यहाँ पे क्या हो रहा है? ये पनीर पनीर बागलपुरी। ये तो मेरा ऑर्डर नहीं है ना, ये हमारा रेस्टोरेंट का। अच्छा रेस्टोरेंट, करो करो करो, सॉरी आप अपना काम करिए। गाइस ये है संगम इलाहाबादी, इसमें दो ले रहेंगे जी। जी। ऊपर कौन सी है? ऊपर मटन, अंदर चिकन है। जी, मटन कीमा, चिकन कीमा। अरे वाह, डाल दो जी, डाल दो। अब अभी, अच्छा अभी रुक के करोगे? गाइस अब बन रही है गोलगप्पा चाट, गपशप वाली, पटना वाली। सही, आलू हो गया, ये चना हो गया, वाइट मटर रगड़ा, वाइट मटर रगड़ा। ताश मटन बनाए जी? ताश मटन, ताश मटन लगाए? हाँ सर लगा रहे। तो ये ताश मटन के लिए पहले वर्गी पराठा सीखेंगे। अच्छा अच्छा, ये वहाँ से कराया अभी? ये हमारा वर्गी पराठा है, पहले इसको सीखेंगे। अच्छा, इसका जो मटन है वो कहाँ पे तैयार करोगे? यहाँ तैयार है, तैयार कर रहे, पहले इसको सीखेंगे। अच्छा देसी घी पे बनेगा? हाँ ये देसी घी में से। कैसे? ये देसी घी है, जस्ट सही। इसको पूरा करारा करने के लिए। अच्छा, इस गद्दी से करारा करोगे? ये हमारा वर्गी पराठा वैसे भी बहुत जाता है। अच्छा, टेबल पे भी खूब जाता है। अब इसमें ग्रेवी लगाएंगे, इसको बिल्कुल ग्रेवी में ड्राई करेंगे। I'm liking how he's cleaning everything after everything that he's making. That's very good, yeah. अच्छा, ये ग्रेवी का माल जाएगा इसमें, भुना बटन का? आप ग्रेवी, थोड़ी ग्रेवी लगाएंगे उसमें, ट्राई करेंगे। क्रीम साथ में। शेफ साहब क्या बना रहे हो? ये सरसों वाली मच्छी, ये लिया सरसों का तेल। सो गाइस, ये ग्रेवी आइटम है जो हमने पहले स्टार्टर बनवाया था ना, उसी में से एक फिश का पीस निकाल रहे हैं क्योंकि खाना वेस्ट होगा, अदरवाइज ये अलग से एक पोर्शन मिलता है। ये राई का तड़का, बस हल्का से तड़का लगेगा, बस जो मटन तैयार है। बाहर जा रहा हूँ मैं, हो गया सारा, आप मुझे वो दे देना साथ में, रुमाली और कौन सी रोटी खिलाओगे? खमीरी रोटी। खमीरी मिलती है? चलो मैं बाहर जा रहा हूँ, ठीक है? खमीरी आप एक बार कर ही लूँ। अच्छा, ये खमीरी रोटी। डन गाइस, अभी अभी सर ने खाना खाया, खा लिया सर खाना? क्या रिपोर्ट है सर? बहुत अच्छा खाना है। हाँ वेरी, जिसे कहते हैं ना,
एक एथनिक टच है खाने में हाँ। और फ्लेवर्स बड़े अच्छे थे अच्छा वेरी माइल्डली बैलेंस्ड या और इट वाज गुड या ट्रेडिशनल या ट्रेडिशनल एंड वेरी गुड सर आपको भी ठीक लगा सर चलो थैंक यू सर एंजॉय सर ऑल राइट ऐसा है कि ना वो जो गोलगप्पे थे ना जो पटना वो गपचप थे वो आ रहे हैं फिर से क्योंकि वो गल गए थे बहुत देर तक खाना बनते रहे वो गल गए थे और साथ में खमीरी और रुमाली गर्मा गर्म आ रही है खाना ट्राई करते हैं थोड़ा सा इधर रखते हैं माइक को हाँ 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 आ जाओ जी लिट्टी से करते हैं रिएक्शन टू लिट्टी अच्छा जी आलू चोखा बैंगन चोखा रुगनी आ जाओ जी आ जाओ देसी घी में इसको पूरा डिप किया था इन लोगों ने ये अच्छा ट्राई करें मैं जिस तरह से खा रहा हूँ सही है गलत प्लीज़ कमेंट में बताना मुझको हल्का आलू हल्का सा बैंगन सही है जी खाने का तरीका नितिन जी थोड़ी आपकी असिस्टेंस लूँगा साथ में ये घूगनी भी डालूँ साथ में या ऐसी दे सकते हो लूज दे सकता हूँ ना ये लो जी थोड़ा कसौंदी भी साथ टॉप अप कर लीजिए कसौंदी भी टॉप अप कर लूँ जी जी थोड़ी मैं असिस्टेंस ले रहा हूँ मजा आ गया ये कसौंदी ने जो हिट दिया है ना पंची फ्लेवर ओके मुझे नहीं पता रहा ऐसा स्वाद होता है लिट्टी का रिश एक बाइट में ना इट्स अ हैंडफुल ऑफ बाइट यार मजा आ गया सो दिस इज वेरी ट्रेडिशनल मील मैंने बहुत वीडियो देखे थे बहुत लोगों से सुना था ट्राई करना खुद एक्सपीरियंस नहीं किया था आई लव इट टू मेनी फ्लेवर्स एंड आई लाइक द एगप्लांट ये जब बना चोखा भरता खिलाते रहो एंड आई एम सॉरी मैं अलग अलग खा रहा हूँ बिकॉज आई एम ट्राइंग टू लर्न क्या क्या इसमें फ्लेवर्स जाते हैं कैसे बनी जाती है और वो जो देसी घी का फील आ रहा है इट्स अ हैवी मील वन ऑफ दिस प्लेट आई थिंक आपका आधा दिन निकल गया बाय द वे हां ये सत्तू की ड्रिंक है गर्मी में चलती है ना बिहार में है अच्छा जी आप क्या खाना है ओके ये देखो जी ये इनकी रहू फिश इसी की हमने ग्रेवी बनाई थी ये हल्का सा पीस लेते हैं इसको किसके साथ खाया जाता है जी कसौंदी के साथ अच्छा जी अच्छा करारी करारी फिश आए मजा आ गया अच्छा बाय द वे रहू फिश है ना जी ये हाँ हल्के हल्के छोटे कांटे होते हैं यू शुड नो दैट बट सही बताऊँ जो मजा लिट्टी ने कराया ना हाँ हाँ मेरी उम्मीद से ऊपर है सही बता रहा हूँ हाँ जी सो ये है संगम अलाहाबादी अंदर से देखें ओके ये देखो जी इस पे कह रहे हैं चिकन और उसको मिक्स कर रखा है मटन को कीमे को है ये हरी चटनी इट हैज सच अ यूनिक टेस्ट सो यू नो व्हेन यू आर हैविंग अ कबाब यू आइदर नो इट्स चिकन और मटन बट टू पुट इट टुगेदर इन योर माइंड एंड हैव अ बाइट इज अ लिटिल कंफ्यूजिंग आई लाइक इट इट्स अ यूनिक वे ऑफ सर्विंग फूड अच्छा जी ऐसे भी होता है हाँ लाइक इट पता है इसको खाने का मतलब क्या है कुछ अलग खाना जो मार्केट में नहीं है एक बहुत पहले मैंने एक वीडियो बनाया था रोहिणी में वो भी ऐसा कुछ कर रहे थे और ये आज मैंने बहुत समय बाद ऐसे खाया एंड आई लाइक इट यार अच्छी बात क्या है इट्स प्रॉपरली फिल्ड ये सीख कबाब का साइज ना अच्छा खासा है मज़ा आएगा खाने का पर आपको पता ही है मैं कब खाता हूँ ऐसा खाना हाँ जी किधर आ जाओ जी तास मास पूरा मटन के चंक्स ऊपर हैं दे सॉटेड इट वेल परांठा हमारे सामने बनाया था देसी घी में देयर आई रियली लाइक इसकी बाइट भी ऐसी खाएंगे जैसे खानी चाहिए दिस इज लाइक अ प्रॉपर डोस्ट है हाउ कैन यू फॉरगेट हल्का सा नींबू ये
इसके बारे में सिर्फ इतना ही बोलूँगा, जिनको भी अफ्री खाना पसंद है, उल्टे तवे का देसी घी परांठा पसंद है और मटन पसंद है, इन्होंने सारा हार्ड वर्क आपके लिए कर लिया। जस्ट ग्रैब इट एंड टेक अ बाइट एंड इट्स अ ब्लास्ट ऑफ फ्लेवर्स ऑल ऑफ देम इनसाइड। वो जिंजर जो ऊपर गार्निश किया, दैट्स कमिंग माई माउथ। एंड द मटन इज नाइस, सक्यूलेंट, अमेजिंग। द फ्लेवर्स इन द मटन मसाला इज गुड, बैलेंस, नॉट वेरी स्पाइसी, नॉट लेस स्पाइसी। आई लाइक द फ्लेवर्स, यस आई ट्रूली लाइक देम। अब हमारा बच्चा है क्या, रोटी आ रही है, वेट करते हैं। रोटी से पहले सत्तू की ड्रिंक ले। धनिया प्याज वगैरह डाल के ठंडी, कहते दो पी लो ग्लास, इम्यूनिटी जाग जाएगी आपकी। अच्छा जी, दिस इज अ वेरी वाटरी कंसिस्टेंसी, आई लाइक इट। इट्स लाइक जो पंजाबी में छाछ होती है ना, ये कुछ और ही चीज़ है, समथिंग ऑन द ग्राउंड। अच्छी लग रही है, ठंडी लग रही है, आई लाइक इट यार। हाँ जी, आ गए जी। जी जैसे देख लो, गोलगप्पा जी चाट, हाँ हाँ हाँ, फ्रेश आई है, देख लो नीचे, ये देखो जी, पीस टेढ़ा हो गया। एनीवे ये देख रहे हो जी, ट्राई करें इसको, पटना में इसको गुपचुप चाट बोलते हैं। ले लो ले लो रोटी यार, आप ये दे दो। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। हाँ जी, ट्राई करें इसको। ऑलराइट, फर्स्ट थिंग जो नोटिस करा रहा अपन ऑन द आउटसाइड, गोलगप्पे का आटा का यूज़ कर रहे हैं, दैट इज नाइस। एंड लाइक अनार उनू डाल रखा है प्रॉपर, इट्स फुल चटपटा काम। यू नो गर्मी होना, अच्छी आगे एक प्लेट खाओ ठंडी, चटपटा काम, वैसा कुछ हिसाब किताब है। आई रियली लाइक इट। पर आपको पता है यार, कितनी अमाउंट में फीमेल्स गर्ल्स दे लव गोलगप्पाज एंड चटपटा खाना, चटोरी काम है कि नहीं है। हाँ जी, एक गर्मा गर्म खमीरी और एक मुर्गा की, कहते हैं भाई आ जाओ जी, आ जाओ, ये लो जी, ये गर्मा गर्म खमीरी यार, खाएं जी। वो प्याज की मिठास, हाय हाय, आगे ट्राई करना ना, मज़ा आ जाए। नरम खमीरी साथ में मसाले वाला ये ग्रेवी, और ग्रेवी ज़्यादा बेटर है, अच्छे से भुना नहीं होता प्याज, उसकी मिठास निकलती है, लिटिल ऑन द स्वीटर साइड एंड आई लव इट, स्वीटर एंड मसालेदार साइड बोथ, मज़ा आ गया। आओ जी, आप लास्ट में खाएंगे सरसों वाले वाले लिट्टी, वो खाते हैं लिट्टी के साथ हल्का सा ना, ये ये देखा जी, भुना मीट लिट्टी के साथ, वो देसी घी वाली लिट्टी, पता है मेरा रिएक्शन क्या है, इज दैट आई एम वेरी यूज्ड टू नॉर्थ इंडियन फूड एंड यू सीन माय व्लॉग्स, दिस इज़ वेरी डिफरेंट फूड फॉर मी। लिट्टी आई हैव गॉन, आई बिकम अ फैन यार, मैंने पहले सोचा नहीं था, हर जगह का कंफर्ट फूड होता है, जैसे दिल्ली में छोले भटूरे या छोले कुलचे, तो मुंबई में वड़ा पाव, राजस्थान में दाल बाटी चूरमा, ये लिट्टी वाला काम ना, मज़ा आ गया। हाँ जी, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आ जाओ जी, आ जाओ। वैसे चावल के साथ खाई जाती है, हम रोटी के साथ खा रहे हैं, सही कह रहा हूँ जी, ये था जी, ये हल्का सा फिश ली, हल्की सी इसकी ग्रेवी बात कर रही है यार, ये देख रहे जी, मस्टर्ड 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 टोटल मस्टर्ड, जब बाइट जाएगी ना, कोई और स्वाद एक्सपेक्ट मत करना, ओनली एंड ओनली मस्टर्ड। आई स्वर टू गॉड इन सो मेनी व्लॉग्स आई वेंट, दिस इज द मोस्ट मोस्ट डिफरेंट करी टेस्ट, एंड सम पीपल who might connect, उनको eventually taste चढ़ जाएगा, some might take a bit of time, जब बाइट ली ना little bit confused, but उसके बाद जब वो अंदर गई है
देखा मैंने क्या किया, दिस इज व्हेन आई एंजॉय इट वंस अगेन. मगध अवध ब्यूटीफुल बिहारी एंड ऑफ दी फूड. जितना खाता खाता हूँ बाकी पैक कराता हूँ, फिर आपसे मिलता हूँ. वीडियो एंड करने से पहले मैं रसिया खा रहा हूँ, जो आपने कहा गुड़ और चावल से बना होता है. हाँ जी. अच्छा जी, ऊपर एक काजू वाजू कैशू डाल रखे हैं. हाँ जी, अच्छा जी, से कैसा लगा सर? सच बताऊँ 10 में से 9.5 नंबर, मज़ा आ गया. आखिर 10 में से 10 यार. ठंडा, मज़ेदार, गुई सा टेक्सचर है, रिफ्रेशिंग. थैंक यू, बहुत मज़ा आया. थैंक यू फॉर कमिंग यस. बिहारी खाना दिल छू गया, जेन्युइनली बता रहा. आते रहिए, मैं जेन्युइन रिव्यू देता हूँ. चीज़ अच्छी होती बोल देता, बट मज़ा आ गया. सही बता रहा. थैंक यू सर, थैंक यू. ठीक है जी गाइस, मगध अवध नितिन जी मिलेंगे, ओपी सैन जी मिलेंगे यहाँ पे. ओपी सैन जी मिलेंगे आपको यहाँ पे. एक और मैनेजर है जो बहुत बढ़िया है, कैमरे पे नहीं आए, उनसे बात कर लेना. खाना ये वहाँ मजाक नहीं कर रहा, डिस्काउंट स्कूल इनसे बात करना, मुझे मतलब नहीं है. डिस्काउंट भी देंगे आपके रेफरेंस से आएंगे तो. पक्का? बिल्कुल, जेनुअनली बता रहा हूँ. इट्स नॉट अ पेड वन, आप सोचो खाना अच्छा है, सामने बोल रहा हूँ, ट्राई कर लेना, दिल खुश हो जाएगा. एक रेस्टोरेंट हमने और भी खोला है पालम विहार में, वहाँ भी सर को बुलाएंगे. अच्छा, बिल्कुल. चलो ठीक है, तो और डिशेज वहाँ पे वो करेंगे डिस्क्लोज. अच्छा जी, इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब. सब्सक्राइब एंड शेयर द चैनल विद ग्रो. इंस्टाग्राम पे रोरा शो एंड फेसबुक पे शो ग्रो ब्लॉग्स देखेंगे, वहाँ भी फॉलो कीजिए. दैट इज इट, बहुत जल्द मिलूंगा. अंटिल देन टेक केयर, हैव फन, बोलो बाय. थैंक यू, बाय.